अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अक्सर मुहावरे में हम पानी लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं अच्छों अच्छों का पानी निकल जाता है, पानी निकल गया है, फिर पानी पानी हो गया, पानी कम या फिर रुपया उधार लेकर नहीं दिया तो पानी मार गया, जैसे जुमले रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते रहते हैं। पर आसमान से जब खुदा नाराज़ हो जाता है तो कैसे सभी के मुँह का पानी निकल जाता है और हलक सूखने लगता है, इसे अब महसूस किया जा रहा है। आज डीसी नितेश पाटिल ने शहर और अतराफ में बारिश न होने की वजह से पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इससे निपटने के लिए टास्क फोर्स का कायम अमल में लाने का ऐलान किया। अर्जेंट मीटिंग तलब फरमाकर जहां भी पीने के पानी की जरूरत है वहां फौरी तौर पर टैंकर से पानी सप्लाई करने का हुक्म दिया। तमाम जिला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा लेकर बारिश न होने से पानी की जो दिक्कत अवाम के सामने आई है उससे सरकारी महकमा कैसे निपटे, इस पर जोरों पर कोशिश जारी है। एमएलए जनाब आसिफ राजू सेठ ने भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बोरवेल के जरिए मसले को हल करने की कोशिश जारी है। बेलगाम शहर को राकस को पानी जखीरे से सप्लाई किया जाता है, पर राकस को बिल्कुल सूख चुका है, डेड स्टॉक से पानी निकाला जा रहा है। हिडकल डैम में भी पानी कम हो चुका है, दो चार दिन हफ्ते में आने वाला पानी अब 9-10 दिन होने को आया, पानी नहीं आ रहा। शहर से भी ज्यादा खतरनाक हालात देहात के हैं, यहाँ तो वैसे भी पानी का मसला हमेशा रहता है। बेचारी देहात की खवातीन तो कई किलोमीटर तक चलते जाकर पानी लाने के आदि हो चुकी हैं। सरकार कोई भी हो मुश्किलें मसाइल मुस्तकिल जारी रहती है। सियासी लीडर बराबर वोट लेते रहते हैं और उन्हें राम भरोसे छोड़ दिया जाता है। खैर, थोड़ा रुक कर सोचने पर इंसान की हैसियत और औकात का पता चलता है। सब कुछ बराबर चलता रहता है तो इंसान की घमंडी तकब्बुर का कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन अगर आसमान वाला औकात दिखाने पर आ गया तो फिर क्या गरीब और क्या अमीर। बेलगाम और अतराफ में पानी की मुश्किलें जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, इंसान भी सिकुड़ने लगा है, अपनी गर्दनों को आसमान की तरफ उठाकर फरियाद कर रहा है। खासकर किसानों का तो गुजारा ही आसमान वाले की मेहरबानी से होता है। आसमान से जब बारिश बरसती है तो जमीन से गल्ला निकलता है। सूरह नहल आयत नंबर 65 में अल्लाह तबारक तआला कहता है कि और अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है, जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है, बेशक इसमें सुनने वालों के लिए एक निशानी है। खैर, इंसान यकीनन नाशुक्रा है, क्योंकि हमारा ही हाल ले लो, कहाँ कहाँ मारे मारे फिरते हैं, अब तो बोतलों का पानी पीने के आदि होते जा रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा कि 5,000 करोड़ रुपए का मुनाफा पानी की बोतलों को बेचने से बिस्लरी कंपनी को 2022 में हो चुका है, तकरीबन 50 लाख बोतलें बेची जाती है। बेलगाम शहर में भी आपने देखा होगा कि पानी की बोतलों को शादी ब्याह तकरीबात में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर भी थोड़ा गौर करें कि हम कहाँ से कहाँ आए। कभी कुओं से पानी खींच कर पिया करते थे, जमीन से झरनों के जरिए निकलने वाला पानी क्या कुदरत का भी कमाल के कभी आपको किसी बीमारी का डर नहीं हुआ करता था। बाज़ औक़ात तो पानी को छान कर पिया करते थे, लेकिन अब तो बिस्लरी पानी पीने के बाद भी इंसान को बीमारियों ने घेर लिया है। कभी वो भी दौर याद करो, एक ही टॉवल घर में एक ही साबुन, मतलब कुछ तो कुदरत का दखल भी होगा ना। हो सकता है कि मेरे ख्यालों से कुछ लोग इत्तफाक ना रखे, लेकिन किस इंतहा की मोहब्बत अखवत अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों में मोहब्बत हुआ करती थी। खैर, हासिल इत्तला के मुताबिक अब पुरानी बोतलों में ही पानी भर भर कर मिनरल वाटर कह कर दिया जा रहा है, कंपनी के उस पर लेबल चस्पा किए जा रहे हैं और 2 रुपए की बोतल 10-20 रुपए देकर लोग पी भी रहे हैं। अक्सर बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पर इस तरह की बोतलों को बेचने की बात कही जा रही है, मतलब अब पानी में भी मिलावट। जहां इंसान की सोच में ही मिलावट होने लगी तो आसमान से फैसले भी उसी तरह के आने लगे। सही कहा जाए तो गरीबी इम्तिहान लेती है, सबसे ज्यादा गरीब ही मुतासिर होता है। अगर कुदरती आफत पहले गरीब ही को मुतासिर करती है, लेकिन जब कहर बरसता है तो फिर अमीर गरीब का लिहाज नहीं रहता। हाल ही में तूफान का तजर्बा बहुत सारे समंदर किनारे रिहाइश पजीर लोगों को हुआ है, इसलिए हमेशा दुआओं में बारिश को रहमत बनाकर बरसाने की दुआएं मांगा करो, क्योंकि जब सहमत बन जाती है तो फिर लाखों लोग बेघर होते हैं। सूखा भी पड़ता है तो इसकी ज्यादा कीमत हमेशा की तरह गरीब को ही चुकानी पड़ती है। खैर, आज भी इंसानियत जिंदा है, बिना किसी मजहब धर्म तफरके किए बगैर एक दूसरे की मदद का जज्बा आज भी देखा जाता है। लेकिन जिस तेजी से मोहब्बत घटती जा रही है और नफरतें बढ़ रही है, इसका खामियाजा जमाने वालों को भुगतना पड़ रहा है। खासकर शादियों में तकरीबात में जिस तरह पानी को लेकर या फिर खाने को लेकर इसकी कदर नहीं की जाती, नाकदरी बेइंतहा की देखी जाती है, अल्लाह की नियामतों की नाकदरी करते हुए फेंक दिया जाता है। भले इंसान इस हरकत को बड़ी आसानी के साथ भूल जाता हो, लेकिन आसमान वाला तो देख रहा है, वो भूलता नहीं है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो तवाज़ुन इंसान को रखने का हुक्म दिया है अगर उस पर खरे न उतरे तो सजा भी तो मिलनी है। मेरे नबी ने फरमाया क्या, अगर तुम बहते पानी के नहर के किनारे ही क्यों ना बैठे हो, बेवजह पानी नहीं बहाना।
क्या खूबसूरत बात कही है मेरे आका ने, लेकिन मुस्लिम मोहल्लों में देखो जिस नबी को ये मानने वाले हैं वहाँ पानी बेवजह सड़कों पर बहा दिया जाता है। जब पानी आता है तो पीने के पानी से सड़कों को धो दिया जाता है, गाड़ियाँ धो रहा है, कई नल से पानी गटर से बह रहा है। मतलब हमने किसी भी तालीम पर अमल ना करने की कसम ही खा रखी है। बेचारा पानी छोड़ने वाला बार बार चिल्लाता रहता है, इस कौम के सरकश होने पर अफसोस करने को जी करता है। गोया पानी बहाने का मुकाबला लगा हुआ है। पानी नियामत है, पानी जिंदगी है, ये तो इंसान की नाकदरी का नतीजा है जिसके बदले पानी को खरीद कर पीने की नौबत आ चुकी है। वरना तो इंसान के रिस्क का जिम्मा तो खुदा ने पहले ही लिया हुआ है। खैर, एक बार फिर पानी की दुश्वारियां इंसान को इंसान होने का एहसास दिला रही है। दुनिया कितनी भी तरक्की कर आज भी आसमान से ही फैसले हुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्द आसमान से बारिश बरसे और जो शिकन फिक्र तमाम बेलगाम वालों के चेहरे पर है जल्द फिक्र राहत में तब्दील हो जाए। भले इंसान कितना ही तरक्की कर ले, कितनी ही चीज़ों को वो अपने दौलत से खरीद कर अपने पास रख ले, चमचमाती महंगी कारें, बड़ी कोठियां, बैंक बैलेंस और इसी की अकड़ तकबर घमंड तमाम उस वक्त पाश पाश हो जाती है जब कुदरत अपना वजूद दिखाने पर आ जाती है। जब बारिश तमाम मुसीबतों का हल करने का जरिया है, आसमान से बूंदे बरसती है, तभी तो जमीन पर हल काश्तकार चला सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि जल्द आसमान से बारिश को बरसा कर इंसान को राहत पहुँचाए। आज का यही पैगाम। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।